हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे मंडे बा न्यूज है। दोस्तों आज इस वीडियो में नरमा कपास की तेजी मंदी रिपोर्ट जानेंगे। आगे नरमा कपास में तेजी आएगी या मंदी आएगी, दोस्तों पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते रहे। इसी तरह हर रोज नरमा कपास का ताजा बाज जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और प्यारा सा लाइक जरूर करें। दोस्तों आप सभी को पता है कि हाल फिलहाल पूरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद के कारण अस्त व्यस्त हो चुका है। इसी तरह को लेकर कॉटन बाजार में दबाव में है। काफी दिनों से बाजार का रुख तेजी की तरफ बना हुआ है। नरमा 13,000 तक अपना स्तर दिखा चुका है, लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों में व्यापारियों खरीद रुकने से बाजार में गिरावट आ चुकी है। दोस्तों अगर बात करें तो आवकों की तो अब मंडियों में लगभग 44,000 गांठे ही दैनिक आवक हो रही है, जो कि पिछले साल की दैनिक आवक से आधी रह गई है। जानकारों का कहना है कि यह आवक कोटन दिहास में सबसे कम आवक है। पिछले साल इन्हीं दिनों में आवक लगभग 2 लाख गांठों की थी। दोस्तों अभी सुस्त पड़े कॉटन के बाजार में तेजी की संभावना है। रूस और यूक्रेन के विवाद के शांत होने के बाद बनते हुए दिखाई देगी, जो कि 13,000 अपना स्तर दिखा चुकी है। आने वाले कुछ दिनों में 15,000 को भी स्तर दिखाने को मिल सकती है। अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वहां भी नरमा कपास में तेजी का माहौल बना हुआ है। पिछले जींस और स्प्रिंट्स की मांग बढ़ने से बाजार में अभी और तेजी की संभावना बनी हुई है। दोस्तों आने वाले दिनों में नरमा कपास 15,000 को भी पार कर सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं नरमा को रोके या बेचे। दोस्तों आज के भाव की बात करें तो आज नरमा कपास का भाव लगभग 11,000 के आसपास है। दोस्तों अगर आप रिस्क लेना चाहते तो आप लोग कुछ दिन और इंतजार कर सकते हैं, अन्यथा यह भाव भी कम नहीं है। दोस्तों आने वाले दिनों में नरमा कपास 15,000 जरूर आंकड़ा पार कर लेगा। दोस्तों ये थी बड़ी अपडेट है।